हेलो, व्हाट इज अप लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत है आपका द आर्ट ऑफ इमेजिनेशन में। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। तो गाइस पिछली वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि किस टाइप से आप रील्स एडिट कर सकते हो, वो भी प्रीमियर प्रो के अंदर यानी कि पीसी के अंदर। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एकदम बेसिक लेवल से अपने मोबाइल के अंदर जो है वो रील्स एडिट कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो मैंने थोड़ी एडवांस लेवल की बना दी थी, जो कि जो बंदा प्रीमियर प्रो जानता है वो आसानी से उसको समझ जाएगा, नए बंदे के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वीडियो। तो गाइस इस वाली वीडियो में मैं आपको एकदम आसानी से बताऊंगा, और आगे भी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत ही एकदम इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो भी चीज़ें मैं करता हूँ। मोबाइल के अंदर एडिट करना एकदम बहुत ही ईजी है, पर यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, स्क्रीन छोटी होती है और जो ऑप्शन होता है वो भी बहुत ही लिमिटेड होता है। तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एकदम ध्यान से करना होता है क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है और ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एकदम बेसिक लेवल से किस टाइप से आप एडिट कर सकते हैं। तो आज मैं जो रील्स एडिट कर रहा हूँ वो मतलब इतने एडवांस लेवल की नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर मैं जो आपको दिखाऊंगा उससे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आप म्यूज़िक के साथ सिंक भी कर सकते हैं और अच्छी खासी रील्स बना सकते हैं बेसिकली। तो गाइज अभी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VN करके एप्लीकेशन है। तो गाइज फटाफट से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो ऐड वगैरह आती है इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। और ये एप्लीकेशन है वो एकदम फ्री है, थोड़ी बहुत इसके प्रीमियर फीचर आप अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हमको यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद हमको वीडियो सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले ये वाली वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। फिर इस वाली वीडियो की जो वॉइस है इसको हमको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउंड के आइकन बने हुए, तो उसको उसके ऊपर हम टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी हमको अलग से म्यूज़िक ऐड करना है, तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर वाली लाइन में देख सकते हैं कि प्लस करके म्यूज़िक का सिंबल बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर म्यूज़िक में जाइए और यहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर से जो है वो म्यूज़िक सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा हुआ है ये वाला, तो इसको हम यूज़ करते हैं और इसको राइट जो है यहाँ पर उसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये म्यूज़िक प्ले हो रहा है। तो अभी हमारी फर्स्ट वीडियो इसके अंदर आ चुकी है। तो गाइज उसके बाद आपको ये वाला सबसे पहले निकाल देना है, ये हर वीडियो में आप जब नया प्रोजेक्ट लेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, तो इसको हम डिलीट कर देंगे सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमको क्या करना है कि भाई और भी वीडियोस ऐड करने हैं, सबसे पहले इस वाली वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर साउंड है, नीचे अपनी वीडियो है। अभी थोड़ा सा प्ले करते हैं कि किस टाइप से ये हो रहा है। तो गाइज अभी हमको क्या करना है कि यहाँ से अपना वीडियो जो है वो उसको स्लो करना है। वीडियो पे टैप करेंगे, फिर स्प्लिट कर देंगे और जो पीछे वाली वीडियो उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि स्पीड लिखा हुआ है, उसके ऊपर टच कीजिए और यहाँ पर आप रेगुलर में चले जाइए। अगर आपको कर्व में से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, फिलहाल हम रेगुलर से करते हैं। तो इधर हम कर देते हैं 0.3x की स्पीड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले थोड़ा सा फास्ट होगा, फिर उसके बाद स्लो हो जाएगा। तो इस टाइप से ये प्ले हो रहा है। तो गाइस जितना तो हमने कर दिया, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी आपने वीडियो ली है उसी टाइप से आपका जो साउंड है उतना कट हो चुका है। तो आपको पीछे कोई सी भी रैंडम वीडियो ऐड कर देनी है, तो इधर मैं ये वाली वीडियो ऐड कर देता हूँ, ताकि ये जो अपना साउंड है आप ऊपर देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर आ चुका है। तो ये वाली वीडियो अभी मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें करने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ ये जो ऊपर वाली साउंड है उसको पूरा एक्सेस करने के लिए ली है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपनी जब नेक्स्ट बीट चेंज होती है वहाँ पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीट चेंज हो रही है। तो अभी हमको क्या करना है कि कुछ और वीडियो ऐड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर जो आइकॉन बना हुआ है वहाँ पर हम टच करेंगे तो हम और भी वीडियोस ऐड कर सकते हैं अपने ऊपर वाली लाइन के अंदर। तो यहाँ से हम दूसरी वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है तो ये वाली वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी जो भी वीडियो है उसको आप प्रॉपरली कर दीजिए। तो ये वीडियो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से उसको टच करके आप ड्रैग वगैरह और इसको स्केल अप वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो आ चुकी है, तो इसको भी थोड़ा स्लो मोशन कर देता है। इसको टच कीजिए, यहाँ पर स्पीड पे जाइए और रेगुलर में जाइए, और यहाँ पर मैं 0.3x करता हूँ क्योंकि मेरा इतने में बहुत ही स्मूथ वीडियो प्ले हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको 240fps पे रिकॉर्ड किया था। तो अभी मैं इससे भी नीचे जा सकता हूँ, फिर इसके नीचे हमको एक और वीडियो ऐड करनी है। तो यहाँ पर फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, उसके नीचे हम ऐड करने वाले ये वाली वीडियो। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कि उस वीडियो के ऊपर आ रही है। तो अभी हम इस वीडियो को
टच एंड होल्ड करेंगे और इसको नीचे ले लेंगे यहाँ पर इस वाली वीडियो के नीचे, तो आप देख सकते हैं कि वो वाली वीडियो ऊपर है और ये वाली नीचे है, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी करना चाहते हैं। तो इस टाइप से ये हो चुका है अभी, तो इसको प्ले करता है। और गाइस यहाँ पर हमने जो वीडियो ली है उसकी साउंड हमको बंद करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर वीडियो पे टच कीजिए और यहाँ पर पीछे आइए और यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है उसको बंद कर दीजिए, फिर ओके कीजिए। और दूसरी वाली वीडियो में भी हमको सेम ऐसा ही करना है। ये डुप्लीकेट हो गई। यहाँ पर आप जो आइकॉन देख रहे हैं ऐसे एरो का, तो यहाँ से आप कंट्रोल जेड वगैरह कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो प्ले हो रही है। तो अभी जो नीचे वाली वीडियो है इसको भी थोड़ा सा स्लो मोशन कर लेता है, स्पीड पे जाना है और यहाँ पर रेगुलर पे जाके 0.3 पसंद कर लेते हैं, तो मस्त अच्छे से ये प्ले होगा। फिर यहाँ पर हमको एक बार फिर से जो बीट चेंज हो रही है उसके हिसाब से चेंज करना है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अगली वीडियो लेता है। तो गाइस ये जो वीडियो मैं ले रहा हूँ वो रैंडम लिया है, तो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी वीडियो है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो का मैं लेता हूँ, तो इसका भी हम वॉल्यूम बंद कर देते हैं। तो ठीक, तो गाइस अभी यहाँ पर 15 सेकंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं, इस वाले नीचे वाले वीडियो को कट कर देते हैं, शायद इससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ हो गया ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी सी एडिटिंग कर ली है। और अगर हमको यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर टच कीजिए, तो यहाँ पर आपको आपको मैन्युअली भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ से टी से, और अगर आपको ऑटोमेटिकली एनिमेशन वाली टेक्स्ट चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। टी पर टी प्रेस कीजिए और टाइटल टेम्पलेट करिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो ये बेसिकली टेक्स्ट एनिमेशन है, तो इसको हम एडिट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये टेक्स्ट वगैरह जो ऐड हो जाती है, तो इस टाइप से आप देख तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट वगैरह वो ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाते हैं तो हमको यहाँ पर कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है, कलर ग्रेडिंग बेसिकली करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एफेक्ट्स, तो कुछ भी इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक हो रहा है वीडियो, तो एफेक्ट्स हमने डाली है, देखते हैं। ये देखिए ये एफेक्ट्स जो है वो पूरे वीडियो के ऊपर लगने वाली है, पर्टिकुलर वीडियो पे नहीं लगेगी। तो बेसिकली इस टाइप से जो अपना रील है वो एडिट होता है मोबाइल के अंदर। ये मैंने एकदम बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर की है, बहुत ही एडवांस लेवल का भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अभी इसको हम करते हैं रेंडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड एरो बनाओ, उसके ऊपर टच कीजिए और यहाँ पर आपको 1080p 30fps कर देना है। अगर आपके पास अगर आपने 4K में शूट किया था मोबाइल के अंदर तो 4K में चले जाइए। और गाइज यही एक सॉफ्टवेयर मुझे मिला है कि इसके अंदर ऐसे मस्त ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, 1080 और बिटरेट भी आपको सेट करने का ऑप्शन मिलता है। बिटरेट के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आपका वीडियो है वो कितना कंप्रेस होता है, तो बिटरेट का काम यही है कि आपके वीडियो का कंप्रेशन लेवल क्या है, जितना आप कंप्रेस करेंगे उसकी उतनी क्वालिटी लो हो जाएगी। और तो अभी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, एक बार प्ले करके देख लेता है। तो गाइज इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है उस चीज़ का एग्जाम्पल था ये। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए, और गाइज ये चैनल नया है तो सपोर्ट करने के लिए भाई सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको भाई दबा दो ऐसे, ठीक है, मैं नहीं जानता पर दबा दो आप। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, ये वाली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।